Hello everyone. Today in this volume I am starting the miscellaneous exercise of chapter number 14, which is based on three dimensions geometry for the class 12th standard from RBSC syllabus. So let's start from very first question, and it is the beginning question of the miscellaneous exercise. The given question is, some parts are given and which one is not the direction cosines of a vector. मतलब हमें ये बताना है कि किसी वेक्टर के या फिर किसी भी लाइन के कौन सा ऐसा केस इनमें है जो कि डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है. देखो, डायरेक्शन कोसाइंस अपने होते हैं एल, एम एंड एन. देखो, पहले तो क्वेश्चन को क्लियरली थोड़ा सा पेशेंस के साथ में पढ़िए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया है और जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन है, उसका नेचर कैसा है, मीन्स उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा. And then can easily you can solve easily the given question. तो हमें ये पता है कि L और M और N होते हैं. L M N के बीच में एक रिलेशन होता है, L square plus M square plus N square, जो कि किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ये हमें पहले से पता है. तो ये L है, ये M है, ये N है, तो इसका देखो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर जो कि थ्री आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू वन. तो इसका मतलब ये तो 100% श्योर हो गए अपन कि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकता. अब यदि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है तो हमें ये भी चेक करना है कि नीचे वाले डायरेक्शन कोसाइंस हैं या फिर नहीं है. तो ये इसका स्क्वायर देखो जीरो जीरो और इसका वन, रिजल्ट क्या है वन. तो ये डायरेक्शन कोसाइन है. नेक्स्ट में वन जीरो, इनका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस है. इसकी बात करें तो जीरो प्लस वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन. तो ये हमें, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है और ये बाकी सभी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि ओपी कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है. देखो, या तो ऐसे बोल दो ओपी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू सिक्स, यूनिट में है, कोई भी यूनिट होगी. उसके बाद में हमें दे रखा है ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में और वाई एक्सिस के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाता है. तो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा, मैं यही बता देता हूँ, एक्स एक्सिस के साथ में जो थीटा बना रहा है वो है 45 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ में जो बना रहा है थीटा वो है 60 डिग्री. तो हमें क्या फाइंड आउट करना, देन फाइंड वेक्टर ओपी, ओपी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो किसी भी वेक्टर के लिए कोई वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता है कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इनटू कर दें अपन उसके पोजीशन वेक्टर से, सॉरी यूनिट वेक्टर से. मीन्स किसी भी यूनिट वेक्टर को पर्टिकुलर हम किसी मैग्नीट्यूड से इनटू कर देंगे तो उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आएगा. तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, एल आई एम जे प्लस एन के, क्योंकि सिक्स से मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा, ए बी सी आ जाएगा और ए बी सी का जो फॉर्मेट होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये जो फॉर्मेट होगा ये एक वैक्टर का फॉर्मेट होता है, ठीक है. और ये जो फॉर्मेट होता है वो एक यूनिट वैक्टर का फॉर्मेट होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है. अब देखो, ओपीस अब बात करते हैं एल एम एन की वैल्यू चाहिए. अभी पहले हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, एल एम एन की. तो एल एम एन क्या होगा, देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको अल्फा बोल देता हूँ, इसको बीटा बोल देता हूँ और गामा जेड एक्सिस के साथ में हमें एंगल नहीं दे रखा. जेड एक्सिस का एंगल पता चल जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कोस 45 कोस 60 कोस जो भी आए ये वैल्यू, ये तो मतलब हमें गामा की वैल्यू चाहिए. तो पहले तो हम ये वैल्यू निकालते हैं एल, एल इज इक्वल टू कितना आएगा, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट, ठीक है. एम कितना आएगा, कोस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू हाफ. एन हमें नहीं देखा, एन इज नॉट गिवन, इसको मैं बोल देता हूँ कोस
गामा। बात समझ में आई। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, हमें ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन होता है। अब देखो एल कितना आपका वन अपॉन रूट टू होल स्क्वायर, एम वन अपॉन टू स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू वन। ये रिजल्ट आएगा आपके पास हाफ, ये आएगा वन अपॉन फोर और ये कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू वन। इम्प्लाइज दैट इनको इधर ले जाओ या फिर एलसीएम लोगे तो ये आएगा थ्री अपॉन फोर प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू वन। इधर लाके माइनस कर दो एंड कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, वन अपॉन फोर बचेगा। इम्प्लाइज दैट कोस गामा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। ये वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है और जो कि किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। बात समझ में आई, क्योंकि एन के इक्वल कोस गामा और कोस गामा की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, ये वैल्यू यहाँ रख दो। देन पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ पी इज इक्वल्स टू सिक्स इंटू एल की वैल्यू आपके पास है हाफ सॉरी वन अपॉन रूट टू आई, एम की वैल्यू आपके पास है वन अपॉन टू और एन की वैल्यू है प्लस माइनस ये जे कर देता हूँ और प्लस माइनस वन अपॉन टू। ठीक है यहाँ तक, यहाँ से टू कॉमन ले लूँ या एलसीएम ले लूँ तो यह आएगा रूट टू आई प्लस जे प्लस माइनस के थ्री विच इज इक्वल्स टू सॉरी सिक्स, ये इससे कैंसिल होगा थ्री आया देन ओ पी वैक्टर इज इक्वल्स टू थ्री रूट टू आई प्लस थ्री जे प्लस माइनस थ्री और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ पोज दिस एंड नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन, वैसे एमसीक्यूज है लेकिन मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन डायगनल्स ऑफ ए क्यूब। चलो ये एक अपना कार्टेशियन सिस्टम रहा, मैं यहाँ पे कोई क्यूब जनरेट कर लेता हूँ। ये मान लो कोई क्यूब है, क्लियर, ये पॉइंट ए लिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, मैं इस क्यूब की लेंथ ए से कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये पॉइंट होगा ई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ए कोमा जीरो कोमा जीरो। ये पॉइंट हो जाए आपके पास, ये पॉइंट होगा जीरो कोमा ए कोमा जीरो और ये पॉइंट होगा जीरो कोमा जीरो कोमा ए। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कोमा ए कोमा ए। बात समझ गया यहाँ तक, और कौन समझ गया, इस पर्टिकुलर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होगा ए कोमा ए कोमा जीरो, ये वाई जेड प्लेन में है यहाँ पे एक्स जीरो होगा जीरो कोमा ए कोमा ए और ये एक्स जेड प्लेन में है तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा वाई जीरो जीरो कोमा सॉरी ए कोमा जीरो कोमा ए। तो ये इनके वर्टिसेस हो गए आपके क्यूब के, हमें डायगनल फाइंड आउट करना, तो डायगनल ओ के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स होगा सी, तो मैं ओ सी वैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। ओ सी वैक्टर कितना होगा सी के, देखो इससे वैक्टर क्या बनेगा, सी का वैक्टर क्या होगा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, तो ए माइनस जीरो आई, क्लियर बात यहाँ तक, ए माइनस जीरो आई प्लस ए माइनस जीरो जे प्लस ए माइनस जीरो के। इम्प्लाइज दैट वैक्टर ओ सी इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के।
बात समझ में आई यहाँ तक? हमें तो एक डायगनल तो देखो अपना हो गया ही, एक डायगनल मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कैलकुलेट कर लूँ जी बी वैक्टर जी बी इज इक्वल्स टू, तो ए माइनस ए, ए माइनस जीरो है ना, ए माइनस जीरो आई, ए माइनस जीरो जी एंड जीरो माइनस ए, इसके अपोजिट यही तो होगा ना, इसके अपोजिट डायगनल होगा, हाँ यही होगा जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए, और ये हो गया कि क्लियर है यहाँ तक बात? और रिजल्ट देखो क्या आएगा आपके पास, वेक्टर जी बी इज इक्वल्स टू ए आई प्लस ए जी एंड माइनस ए, तो ये डायगनल है और ये भी डायगनल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लो, जो भी एंगल आएगा वो सभी के बीच में एक जैसा होगा क्यूब की लेंथ डायगनल सभी सेम होते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वैसे तो होता है कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर, जो भी वेक्टर, मैं इसको यू मान लेते हैं, मैं इसको ए वेक्टर से डिनोट कर लेता हूँ और इसको बी वेक्टर से डिनोट कर लेता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये रिजल्ट रहेगा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, ये देखो आया ए स्क्वायर और ये बनेगा थ्री रूट थ्री ए इंटू रूट थ्री ए, ये इससे कैंसिल हुआ, आपके पास वैल्यू आई वन अपॉन थ्री कोस थीटा, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स वन अपॉन थ्री, ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थ्री आई, ठीक है, तो मैं इसको कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर अज्यूम कर लेता हूँ, लेट दिस इज एनी वेक्टर, वेक्टर ए दिस इज थ्री आई प्लस जीरो जी बोल सकता हूँ जीरो, हमें क्या फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स हमें फाइंड आउट करना है एल कॉमा एम कॉमा एन, इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो पहले देखो यहाँ से ए कितना है थ्री, बी क्या होगा जीरो और सी क्या होगा जीरो, बात समझ में आए, एल क्या होगा एल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ, एंड एल इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन नाइन इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, बात समझ में आई, और एम ये अंडर रूट है, ये सॉरी गलत हो गया ये, तो ये वन थ्री अपॉन वन आएगा, एम एम इज इक्वल्स टू कितना आएगा जीरो अपॉन थ्री बोल दूँ जीरो अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू जीरो एंड एन इज इक्वल्स टू अगेन जीरो अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होंगे वन कोमा जीरो कोमा जीरो, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास है, हमें कन्वर्ट करना है हाँ एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस टू, एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव, वाई माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव एंड इक्वल्स टू Z प्लस सेवन अपॉन थर्टीन,
z plus 7 upon 13. और हमें इसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. बात समझ में आई? अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है. वेक्टर फॉर्मेट लाइन का क्या होता है? r वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b. ठीक है, तो पहले तो a वेक्टर कैलकुलेट करते हैं. लाइन का प्रॉपर फॉर्मेट होगा a अक्ष माइनस अक्ष 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z 1 अपॉन c. ठीक है, तो पहले तो इनके कोफिशियंट चेक करो, 1-1 है या फिर नहीं है. है तो ठीक है, नहीं है तो कॉमन लेके करो इनको. अब देखो यहाँ से वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए यहाँ से मिलता है 3i प्लस 4z और ये माइनस 7k होगा. इसके साथ कंपेयर करें तो वेक्टर बी ये होता है यहाँ से माइनस 2i माइनस 5z एंड प्लस 13k. तो इसका वेक्टर फॉर्मेट हुआ r वेक्टर इज इक्वल्स टू a 3i प्लस 4z माइनस 7k प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस 2i माइनस 5z प्लस 13k. क्लियर है यहाँ तक? नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, बट बिफोर इट यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. So the given sixth question is, देखो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट उनके बीच में कंडीशन दे रखी है, दीज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू z माइनस वन अपॉन माइनस वन. ये लाइन फर्स्ट मान लेते हैं अपन, एंड लाइन सेकेंड विच इज x माइनस वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू y प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू z प्लस वन अपॉन वन. ठीक है यहाँ तक? अब देखो ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगी और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगी. अब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे. तो मैं यहाँ से इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ ये होगी वैल्यू b की. b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस लैम्डा z माइनस एंड b2 इज इक्वल्स टू लैम्डा आई प्लस 2z प्लस k. इफ l1 इज परपेंडिकुलर टू l2 देन वेक्टर b1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b2. ठीक है यहाँ तक? और ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. इसका मतलब b1 डॉट b2 इज इक्वल्स टू जीरो. यदि जीरो आता है तो दे रखा हमें परपेंडिकुलर है तो जीरो को हमें इक्वल लेके चलना है. तो i प्लस लैम्डा जे माइनस के डॉट लैम्डा आई प्लस 2z प्लस के एंड इज फाउंड टू बी जीरो. ठीक है यहाँ तक? अब सिंप्लीफाई करो, लैम्डा प्लस 2λ एंड माइनस के इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी कैरी 1. ये इधर आएगा 3λ इज इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/3 और ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट. क्लियर है? अब चलते हैं देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे. 7th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है. इक्वेशंस दे रखे हैं हमें दो लाइंस की. r वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i प्लस 7z प्लस 3k. r वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i प्लस 7z प्लस 3k प्लस लैम्डा
5i minus 16j plus 7k, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन है लाइन की। सेकंड जो लाइन है वो आपके पास दे रखी है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू 9i plus 13j plus 15k, 9i plus 13j plus 15k प्लस म्यू 3i minus 8j plus 5k, 3i minus 8j plus 5k, और हमें इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये लाइन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है लाइन की, और ये सेकंड इक्वेशन है लाइन की, ठीक है, या फिर लाइन फर्स्ट की इक्वेशन ये है, लाइन सेकंड की इक्वेशन ये है। तो इसके लिए देखो वेक्टर ए तो आपके पास a1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको यूँ बोल दूँ आर वैक्टर इज इक्वल्स टू a1 plus λb1, और सेकंड जो है वो है वेक्टर r इज इक्वल्स टू a2 plus λb2, ठीक है यहाँ तक। तो वेक्टर a1 क्या होगा, वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू 5i plus 7j plus 3k, वेक्टर a2 क्या होगा, वेक्टर a2 इज 9i plus 13j plus 15k, क्लियर। वेक्टर b1 यहाँ से 5i minus 16j plus 7k, एंड वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू यहाँ से 3i minus 8j plus 5k। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट, इसको मैं d से डिनोट कर लेता हूँ, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 एंड मॉडुलस ऑफ दिस वन। बात समझ में आए, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं a2 माइनस a1 क्या होगा, सीधा कर रहा हूँ 4i 13 plus 6j 12k, ये रिजल्ट मिला हमें a2 माइनस a1। अब करते हैं b1 क्रॉस b2 i j के डिटर्मिनेंट लो लगा रहा हूँ यहाँ पे, 5 minus 16 7 5 minus 16 7 3 minus 8 and 5। अब देखो i के लिए -80 plus 56 माइनस जे, या माइनस जे यहाँ लिख देता हूँ, जे के लिए आएगा 25 minus 21 plus k, के लिए होगा -40 and plus 40k, ठीक है यहाँ तक। रिजल्ट देखो, ये बचेगा 24 i माइनस में, और यहाँ से आएगा +4j plus 8k, ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब हमें ये आ गया वेक्टर b1 क्रॉस b2, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर जो भी आएगा, मीन्स इन अब इन इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, और फिर इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, इन दोनों को डिवाइड कर देना, और यदि वैल्यू नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कंसिडर कर लेना। इस टाइप से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब चेक कर लेना आंसर में मैच होता है या फिर नहीं होता है, पॉसिबल है कि ये आंसर मैच हो भी सकते हैं नहीं भी हो, क्योंकि उसमें 4 आंसर्स होते हैं, और 4 में कोई हो नहीं हो ये भी हो सकता है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, दैट क्वेश्चन इट इज गिवन वन लाइन इक्वेशन ऑफ द वन लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दिस इज द 8th क्वेश्चन, लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है आर वैक्टर इज इक्वल्स टू 2i minus j plus k, 2i minus j plus k plus λ
माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पी से डिनोट कर लेता हूँ, जो कि हमारे पास दे रखी है 3i r vector dot 3i plus 2j minus k is equals to 4। सही, बिल्कुल। अब देखो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें पता है, ये होता है r vector is equals to a plus lambda d, क्लियर। और प्लेन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है r vector dot n vector is equals to d, क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो साइन एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने समझाया था ऐसे करके कोस 90 माइनस थीटा, और जो कि साइन थीटा बना था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये बात तो समझ में आई होगी, क्योंकि इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो ये हो, ये देखो ये प्लेन है, ये आपका बी वेक्टर है और ये एन वेक्टर है, इनके बीच में ये एंगल बनेगा। लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना था, ये मान लेते हैं फाई मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, ये एंगल चाहिए हमें, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, कौन सा ये वाला 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे पीछे कोस अप्लाई होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो मतलब बी डॉट एन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू कोस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो कोस 90 ये होगा साइन थीटा, और ये दोनों डेनोमिनेटर में चले जाएंगे, क्लियर। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी, और इनका इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट मीन्स माइनस आई प्लस जे प्लस के डॉट एन वेक्टर आपके पास 3i प्लस 2j माइनस के अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका 3 आएगा डायरेक्ट 111 और इसका आएगा 941। ये रिजल्ट देखो हमें यहाँ से मिलेगा माइनस 3 प्लस 2 एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 42, क्लियर है। और ये आपके पास आ गया कितना, माइनस 4 अपॉन माइनस 2 कर दो इसको अंडर रूट 42। साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 42, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स में। तो ये हो रहा अपना 8th क्वेश्चन, आई होप सो you understood and it is enough for the today's class, remaining part we'll discuss in the next video.